अठारह। सबका नाम बताइए। मैक्सिको, बाहामास, पश्चिम सहारा, माली, मोरिटानिया, नाइजर, लीबिया, चाद, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, भारत, बांग्लादेश। अंकित को और शिवानी को भेजिए। आप लोग को पढ़ाई क्या होता है हम समझाते हैं। तुम लोग को अपना जीन्स गंदा होने का डर होता है। देखता हमारा आधा जैकेट गंदा भइल है, कोई टेंशन ही नहीं रहता है। ये लोग अभी बेरोजगार है। इधर आ जाओ शिवानी, इधर आओ। ये लड़की को देखिए, ये घर पे बैठ के लखीसराय में एप्लीकेशन पे मेरा क्लास करती। अब इसका पढ़ाई आप देखेंगे। आप लोग को कर करे पे कितने राज्य याद है पता है ना। एक मिनट रुकिए, इतनी छोटी है कि दिखेगी नहीं। नहीं, यहीं पे इस पे बैठेंगे। कोई कुर्सी दीजिए वाले। देखिए देखिए, उधर से लिए तो कुर्सी लाओ। हटो जाना बहुत, थोड़ा सा इसको इस पे खड़ा कराओ अंकित को। सब लोग बैठ जाओ। पढ़ाई क्या होता है अभी हम तुमको दिखाते हैं। ये लड़की अंकित, ये अंकित है 7 साल का लड़का है, और ये शिवानी 5 साल की। बैठ तुम लोगों, बैठ जाओ। आप लोग को दिखाते हैं। देखिए ये मोबाइल रख ना बाबू, बैल कहीं का मोबाइल रख दे। यहाँ देखो शिवानी, ये कर्क रेखा पता है कि नहीं? कर्क रेखा 18 देश से जाती है। अच्छा, कौन कौन देश बता दीजिएगा। माइक दे। कर्क रेखा में कितने देश? 18। सबका नाम बताइए। मैक्सिको, बाहामास, पश्चिम सहारा, माली, मोरिटानिया, नाइजर, लीबिया, चाद, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, ताइवान। अच्छा, हम पॉलिटी का क्लास करा रहे थे तो पढ़ी थी कि नहीं? हाँ। मुझे बता दीजिएगा अनुच्छेद 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। 100। आर्टिकल 125 जज का वेतन। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 सांसद राष्ट्रपति को सूचना देकर बाद में किसी दूसरे राज्य को मिला सकता है। अच्छा, वो कौन सा ऐसा राज्य था जिसको संसद ने भारत में मिला लिया? सिक्किम। पहले भारत में तो नहीं था वो? नहीं था। वेरी गुड। और मुझे बता दीजिएगा। पूरा एप्लीकेशन में इस पूरा इसके भैया है नीतीश कुमार, वो एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं। मतलब एप्लीकेशन पे ये साथ पढ़ते हैं। पूरा याद है कि नहीं याद है? सुना दोगे? वर्ल्ड सुना तो पूरा पूरा वर्ल्ड पढ़ाए थे। सुना दोगे? सुना दो। कौन कौन देश था पूरा? सार्क में कितना देश है? 8। बता दो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सुनिए एप्लीकेशन वाले सब लोग ध्यान से। अच्छा ये बताइए, पूरा दुनिया में जितना देश है बता दीजिएगा। बताइए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में हमारे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, पुणे, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सोमालिया, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये आई ना, तो क्या करिए कि हम तो आपको मोबाइल पे देखे थे, अभी देख लिए हम आपको। मोबाइल के अंदर कौन पढ़ाता था? हम पढ़ाते थे। अच्छा, नाम क्या है मेरा? खान सर। एक छोटे से परिवार से, जो लड़के कहते हैं कि सर डाउट कैसे होता है, अरे चुल्लू भर पानी में जब डूब मर हुई लड़की फर्स्ट टाइम क्लास है, एप्लीकेशन पे लाइव क्लास पढ़ी लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में, एप्लीकेशन पे पढ़ी लड़की मोबाइल में। सोचिए यहाँ पे आप लोग दिल से पढ़ाई कीजिए ना, यहाँ पे देखिए इस लड़की को देख के आप लोग को लगता है शर्म आती है कि नहीं? देखिए थोड़ा एजिटेशन हो रहा है, रुकिए बताते हैं। शिवानी एक सवाल, बड़ी होगी क्या करना है? यूपीएससी क्रैक। अब अंकित से सवाल पूछते हैं। अरे रुक आराम से, आराम, डरोगी नहीं ना शिवानी? नहीं डरता ही नहीं, तुमको तो यूपीएससी क्रैक करना है। अच्छा तुमको क्या चाहिए था, क्या चाहिए था? इसको हम एप्लीकेशन में आप लोग को जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री पढ़ा रहे थे ना। अच्छा ये बताइए सिंधु सभ्यता की खोज कौन किया था? ये सिंधु सभ्यता पढ़ा रहे थे तो ये आपको दिखाए थे महात्मा बुद्ध की मूर्ति, तो एप्लीकेशन में देख ली थी, तो कॉल करके कह रही थी कि जब हम आएंगे तो बुद्ध भगवान की मूर्ति ले जाएंगे। ले जाओगे? और क्या ले जाओगे? डरो नहीं, सब पटना में उतना मन से नहीं पड़ता है, डर रही हो? और क्या क्या चाहिए? और लेते जाइएगा। अच्छा शिवानी ज्योग्राफी पढ़ाई थी कि नहीं? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं? मंदाकिनी। अच्छा अभी इंडिया का नक्शा चालू हो गया है, यहाँ आज क्लास नहीं चलते, आप यहाँ बैठ के दीदी लोग के साथ पढ़ लीजिए, पढ़िएगा ना, नहीं तो क्लास छूट जाएगा ना। चलो अब ये अंकित बाबा को देखिए। अच्छा हम आपको ज्योग्राफी का शुरू का क्लास तो किया था? हाँ। टोपोग्राफी भी किया था? हाँ। अच्छा बताइए तो नदियाँ जहाँ से निकलती है उसे क्या कहते हैं? उद्गम। उसके आगे क्या जाती है? झरना। उसके नीचे? अनुमान कुंड। और मैदानी भाग में जाती है तो? ऐसा करके घाटी। अच्छा और नदी में जब जाके नदी के मुहाने पे जो कचरा जमा कर देती है उसे? डेल्टा। और अगर दोनों किनारे पे पहाड़ खड़ा हो तो डेल्टा बनेगा? नहीं। क्या बनेगा? ज्वारनाद। अच्छा बड़े होके क्या करना है? यूपीएससी का एग्जाम निकालना है। और मुझे बता दीजिएगा। यस। हम लोग का सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूर्य। दूसरा सबसे करीबी तारा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा का नाम? मंदाकिनी। हमारी मंदाकिनी नाम की आकाशगंगा का सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? देवयानी। अच्छा ये बताइए वही तो पूछे, सबसे नजदीकी सुपर क्लस्टर वगैरह में। चलिए आप बताइए उल्का पिंड से अगर पृथ्वी गिरती है तो झील बन जाता है कि नहीं बन जाता? हाँ। कोई झील बना है? हाँ। कौन सा? लोनार झील, भारत में महाराष्ट्र। पूरा पढ़ लेते हैं ना? हाँ। चलिए अब आगे भी सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे मन से पढ़ेंगे? हाँ। चलिए ठीक है, एकदम बड़े। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए लॉकडाउन जो हुआ ना या कोरोना आया तो बहुत कुछ छीन भी लिया, लेकिन बहुत कुछ समाज को दे के गया। हमारा एक सपना था ना जो भारत में कोने कोने तक शिक्षा पहुंच सके, आप लोग को इन्हें देख के लग रहा है कि वो सपना पूरा हो रहा है। और ये वादा है मेरा, हम कुछ मतलब हम इस भारत को जो विश्व गुरु का सपना था ना उसमें जितना योगदान देना चाहे हम जरूर देंगे, और ये हमारे देश का भविष्य है।